नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शर्मा जी एजुकेशन के अंदर। तो इस कोर्स में हम आगे के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी काफी सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल पार्ट बचता है, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर इज 2.15, 15वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute? तो molar mass निकालना था solute का, तो अपन देख लेते हैं इसका solution क्या होगा। तो boiling point of the solution at normal boiling point कितना दिया हुआ है, vapor pressure of the solution at normal boiling point कितना हुआ है, PA कितना given है हमको 1.004 bar, और प्योर वाटर जब होगा यानी प्योर सॉल्वेंट होगा तो वो कितना होगा, पी नॉट ए की वैल्यू हमको पता है 1.013 बार, 1 atm होता है, तो ये हमको पता है। तो अपन ने क्या करना है, पी नॉट ए आपको पता है 1.013 बार और पी ए आपको गिवन है 1.00 बार। मास ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू वी यानी आप सोल्यूट जो आप डिजोल्व कर रहे हो वो कितना है, 2 ग्राम आपको दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। देखो कैसे दिया हुआ है, क्योंकि 2% दिया हुआ है बाय मास, 2% बाय मास का मतलब क्या है कि 2 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है 100 में, तो 2 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन बना रहा है 100 ग्राम का, तो 2 ग्राम तो आपका सॉल्यूट हो गया और 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्वेंट कितना बचा, 98 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता है, मतलब वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, उसके मोल भी निकाल सकते हैं। अब अपन लगाएंगे राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू वी इंटू एम ए। ये है, ये आपका मोल जो है उसका रेशियो है, जैसे डब्ल्यू वी अपॉन एम बी बनेगा एन बी यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट करोगे, क्योंकि ये सोल्यूशन काफी छोटा है, मतलब सोल्यूट का जो पार्ट है वो काफी कम है यानी डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। तो हम सीधे डायरेक्टली एन बी अपॉन एन ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए। तो अपन ने यही किया है, तो हम लोगों ने इसको करने के बाद क्या किया, 1.0 सारी वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद हमें चाहिए था एम बी, तो एम बी कैलकुलेट कर लेंगे यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो एम बी की वैल्यू आएगी आपकी 41.35 ग्राम पर मोल, यही हमारा आंसर होगा। तो 2.15 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.16। The heptane and octane form an ideal solution at 373 Kelvin. The vapor pressure of two liquid component are 105.2 kPa and 46.8 kPa respectively. What will be the vapor pressure of mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? तो आपको इंडिविजुअली आपको मिक्सचर में हेप्टेन की वैल्यू और ऑक्टेन की वैल्यू दे रखी है, और लिक्विड जो है उनका प्योर लिक्विड जो उनका है वेपर प्रेशर दिया हुआ है 105 एंड 46.8 केपीए, टेम्परेचर आपको 373 केल्विन गिवन है। तो अप्रोच देख लेते हैं, तो हम पहले तो निकालेंगे मोल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे, देखिए हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16, तो C7H16 फॉर्मूला होता है तो क्या हो गया, 26 तो ये गिवन है ना, मास मतलब ये वैल्यू जो गिवन है, वेट गिवन है, तो ये 26 अपॉन 100 क्यों किया होगा, क्योंकि C7H16 का जब मोलर मास निकालोगे तो 100 आएगा, डेट इज इक्वल टू 0.26। तो ये मोल्स आ गए हेप्टेन के, और मोल्स निकालेंगे ऑक्टेन के, तो ऑक्टेन के मोल्स आ जाएंगे C8H18 फॉर्मूला होता है, तो आपको वेट गिवन है 35 और इसका मोलर मास होता है 114, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.307। तो टोटल मोल्स हो जाएंगे मिक्सचर के अंदर 0.26 प्लस 0.307, तो आप ऐड करोगे सम करोगे तो आएगा 0.567। अब अपन को क्या निकालना, सिंपल मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हेप्टेन के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, वैल्यू ये आ जाएगी 0.4488, और ऑक्टेन का आप निकालोगे तो ऑक्टेन के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब अपन को निकालना है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू जिसका भी आपका, जैसे हेप्टेन का आपको प्योर प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है इनटू उसके मोल फ्रैक्शन, सेम ऑक्टेन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, तो दोनों को आप रखोगे यहाँ पे तो आपके पास टोटल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B, ये वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे, P टोटल निकालने के लिए हम यही यूज करते हैं। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी
वो आ जाएगी पी टोटल इज इक्वल टू 73.01 केपीए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.17। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 केपीए एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। तो आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है वाटर का 12.3 केपीए 300 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के ऊपर। आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है 1 मोलल सॉल्यूशन का जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मिलाया जाता है। चलिए इसकी अप्रोच देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन का जो हमें मोलालिटी दी हुई है वो 1 मोलल दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होगा, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो 1 मोल अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि वाटर कितना होगा। ठीक है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट कितना होना चाहिए यहाँ पे, 1000 ग्राम होना चाहिए, तभी तो आपका 1 मोलल बनेगा। तो वाटर कितना हुआ है, 1000 ग्राम वाटर है, तो हम मोल्स निकाल सकते हैं वाटर के। तो ग्राम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, तो ग्राम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है वाटर का 18। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 55.55 ये मोल्स आ जाएंगे, किसके, वाटर के, ये वाटर के मोल्स हो गए। तो अपन बात करेंगे टोटल मास की, तो टोटल टोटल मोल्स की, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 55.55 प्लस 1 क्यों, क्योंकि सॉल्यूट कितना है 1 मोल है, तो 56.55 मोल आ गए। अब अपन को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ वाटर है 55.55 डिवाइडेड बाय 56.55, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया वाटर का। अब पी सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन का हमको प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है आपको गिवन है 12.3 आपको सॉल्वेंट का प्रेशर गिवन है, यानी वाटर का प्रेशर गिवन है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है सॉल्यूशन के अंदर 55.55 डिवाइडेड बाय 56.55। आप इसको सॉल्व करोगे तो नेट वैल्यू आएगी आपके पास 12.08 केपीए, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.18। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास गिवन है उसका 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो क्वेश्चन पहले पढ़िए, समझिए, फिर सॉल्व करिए, उसके बाद आगे बढ़िए क्या करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे। तो अपन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, हमें गिवन है कि अगर हम मान लें कि पी सॉल्वेंट यानी जो सॉल्वेंट है प्योर वैल्यूज है उसका पार्शियल मतलब प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर कितना था, तो वो था 100 यूनिट मान लेते हैं क्योंकि 100 यूनिट है। अब सॉल्यूशन के अंदर वो रिड्यूस होकर कितना हो जा रहा है 80%, तो 80% यानी पहले 100 था अब कितना हो गया 80 हो गया। अब ये तो हमने लेट कर लिया, अब अगर अगली बात करते हैं मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकालना है, तो मोल्स ऑफ ऑक्टेन कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ ऑक्टेन कितना है 114 और मोलर मास ऑफ ऑक्टेन होता है 114, दैट इज 1 मोल आ गया आपके पास। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको नहीं पता है क्योंकि वेट नहीं पता है, तो वेट अपॉन 40 क्यों किया होगा, क्योंकि आपको मोलर मास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 40 इसका मोलर मास है, तो W अपॉन 40 हो गया। अब अपन लगाएंगे राउट लॉ, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। पी नॉट ए यानी सॉल्वेंट का प्रेशर दिया हुआ है, सॉल्वेंट का प्रेशर कितना 100, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना 80, और पी नॉट ये 100, तो ये सारी वैल्यू रख दी। अब एक्स ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है डब्ल्यू अपॉन 40 और सॉल्यूशन के मोल्स कितने डब्ल्यू अपॉन 40 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डब्ल्यू के लिए वैल्यू आ जाएगी 10 ग्राम। इस पूरी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू के लिए वैल्यू आ जाएगी 10 ग्राम, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.19 यानी 19वां क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 केपीए एट 298 केल्विन, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन एंड द न्यू वेपर प्रेशर बिकम अ 2.9 केपीए एट 298 केल्विन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। दो कंडीशन गिवन है, दोनों कंडीशन को यूज करके हमें इन दो आंसर को कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने भी कर लिया होगा तो करते हैं। तो राउल्ट लॉ कहता है कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर वेपर प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ये तो आपने राउल्ट लॉ पढ़ा होगा। तो चलिए इसी में देख लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एमबी है एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है पी नॉट ए, ये तो आपको पता ही है। मोलर मास आपको एमबी बी हम डिनोट करते हैं सॉल्यूट के लिए, और सॉल्वेंट के लिए हम डिनोट करते हैं ए से।
तो वेपर प्रेशर यानी प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नॉट ए हो गया। अब पी सॉल्यूशन निकालना है, तो पी सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो आपको पता ही है ये। अब केस वन दिया हुआ है, केस वन में आपको सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है 2.8, कितना दिया हुआ है 2.8 केपीए, ठीक है। पी नॉट ए नहीं पता आपको, बाकी मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। अब कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन, तो देखो ध्यान से, 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। 90 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके मोल्स निकालूंगा तो 90 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज इक्वल टू 5, तो ये 5 आ गए, यानी सॉल्वेंट तो वाटर ही है ना, तो 5 मोल वाटर के हो गए। अब टोटल सॉल्यूशन के मोल कितने हैं, देखो 5 तो वाटर के मोल है और आपके पास जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जा रहा है वो कितना 30 ग्राम, उसका मोलर मास हमको नहीं पता, तो ये हो गया 5/5 प्लस 30 बाय एम। तो ये इस एक इक्वेशन ये आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 2.8 इज इक्वल टू पी नॉट ए एम डिवाइडेड बाय एम प्लस 6। एम क्या है, इसको याद रखने के लिए यहां पे बी लिख लेना सफिक्स में, एम बी है एक्चुअली, सॉल्यूट है ये, ठीक है ओके। तो ये आ गया केस एक आ गया। सेकेंड केस आपका क्या है कि सेकेंड केस में कह रहे हैं कि प्रेशर 2.9 हो गया जब आपने उसमें 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया। अब अपन के पास पहले अपने लोगों के पास 90 ग्राम वाटर था, उसमें 18 ग्राम और ऐड कर दिया, 18 ग्राम और ऐड कर दिया, तो 108 हो गया, और 108 हो गया तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 6 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। और 6 मोल्स हो जाएंगे तो डायरेक्टली आप क्या हो जाएंगे 2.9, आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी लिख सकते हो 2.9 इज इक्वल टू पी नॉट ए एम प्लस एम प्लस 5, क्योंकि एम प्लस, क्योंकि आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 30 बाय एम बी, तो उसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे था एम बी डिवाइडेड बाय एम बी प्लस 6, और यहाँ पे 6 मोल है वाटर के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम बी डिवाइडेड बाय एम बी प्लस 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना जरूर, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करने के बाद आपके पास एम बी की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेट आप करोगे तो आपके पास एम बी की वैल्यू आ जाएगी, और एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, That is equal to 23 ग्राम पर मोल। अब MB आपके पास 23 ग्राम पर मोल आ गया, तो P नॉट सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का प्रेशर निकाल सकते हो, P नॉट A निकाल सकते हो, तो P नॉट A कितना आ जाएगा 3.53 kPa, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। आपको दिया हुआ है 5% सॉल्यूशन बनाया गया बाय मास केन शुगर का, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था उस टाइम पे 271। अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है वाटर का, जब हम उसका सॉल्यूशन जो है ग्लूकोज का बनाएंगे, ग्लूकोज का बनाएंगे और उस समय फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, और वाटर का एक्यूरेट जो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको गिवन है 273.15 केल्विन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा टीएफ केन शुगर को जब आप मिला रहे हो तो आपने कितना चेंज पाया, उसमें डेल्टा टीएफ आया 2.15 केल्विन, क्योंकि ये प्योर है और ये इम्प्योर है, तो उसका जब आपने डिफरेंस निकाला 2.15 केल्विन आ गया। अब अपन बात करेंगे 5% बाय मास सॉल्यूशन की। 5% बाय मास सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 5 ग्राम शुगर केन जो है वो डिजोल्व है 95 ग्राम ऑफ वाटर में, क्योंकि 5% बाय मास का मतलब होता है सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। सोल्यूट तो आपका 5 ग्राम हो गया, सोल्यूशन आपका 100 ग्राम हो गया, तो सोल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो उसमें से आप सॉल्वेंट निकाल सकते हो, सॉल्वेंट आपका वाटर है, डेट इज इक्वल टू 95 ग्राम, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, केएफ इंटू मोलैलिटी, केएफ इंटू मोलैलिटी निकालना। अब केएफ अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ है आपके पास 2.15 केल्विन, और मोलैलिटी आप फाइंड आउट कर लोगे। मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 342। 342 क्यों, क्योंकि आपका केन शुगर है यानी सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला मोलर मास यही होता है 342, तो ये तो मोल्स आ गए, और केजी ऑफ सॉल्वेंट आपको पता ही है 95 ग्राम है, तो 0.95 ग्राम हो गया। जब आप केएफ सॉल्व करोगे तो आएगा केएफ की वैल्यू 13.99 अप्रोक्स 14 केल्विन केजी पर मोल, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी केएफ की। अब इसी केएफ की वैल्यू को आप यूज करोगे ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए निकालने के लिए। तो 5 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या है, 5 ग्राम ग्लूकोज है और 95 ग्राम वाटर है सेम, तो डेल्टा टीएफ क्या हो गया, केएफ इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टीएफ क्या हो गया, केएफ आपको पता है 14 है,
मोलैलिटी आप निकाल सकते हो 5/180 डिवाइडेड बाय 0.95 डिवाइडेड बाय 0.095। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 4.09 केल्विन। डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा? 4.09 केल्विन। अब ये डेल्टा टीएफ आया, अब हमें फाइंड आउट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो आपका प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से 4.09 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 269.06 केल्विन। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन 20 तक। आगे के क्वेश्चन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।